अकाउंट के सब्सक्राइब कियो ऐं घंटी ते क्लिक करे असांजी नई वीडियो जो नोटिफिकेशन हासिल कंदा। मेरा नाम जामी चांडियो है और मैं एक राइटर और विजिटिंग स्कॉलर और एक एक्टिविस्ट हूँ और अपनी तमाम जिंदगी अदब और इल्म के साथ साथ तरक्की पसंद अफकार और सियासत से जुड़ा रहा हूँ। मैं आज एक बहुत अहम नुक्ते पर मुल्क के तमाम तरक्की पसंद और जमहूरी पसंद रोशन ख्याल दोस्तों के साथ एक बात रखना चाह रहा हूँ। हाल ही में एक हैदराबाद में कुछ दिन पहले वाकया हुआ जिसमें एक नौजवान एक रात के वक्त पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए झगड़ा हुआ या कुछ जो भी सूरत हाल बनी उसके नतीजे में कत्ल कर दिया गया और इत्तेफाक से वो जो रेस्टोरेंट था वो अफगानी लोगों का था। तो उस दर्दनाक वाकये को जाहिर है कि तमाम लोगों ने कंडेम किया और जो उसके कातिल हैं उनकी एक गिरफ्तार भी हुआ है और बाकियों को गिरफ्तार करने का मुतालबा हुआ है और उस पर जाहिर है कि पूरे सिंध भर में एक गम व गुस्से की लहर देखने में आई और उसके साथ साथ जैसे कि पाकिस्तान में बहुत से बुनियादी तजादात हैं पेचीदगियाँ हैं तो सोशल मीडिया पर और वैसे भी डिस्कोर्स में बहुत से मामला सामने आए। एक तासर ये उभारा गया है कि शायद सिंध में कोई बहुत ही तासुब आमीज और नफरत अंगेज या पुरतशद्दुद किस्म की कोई लहर उठी हुई है और मैं समझता हूँ कि ये तासर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसका सबब यह है कि पूरे सिंध भर में सवाए कराची में परसों सोलह बोट के जो कुछ वाकयात हुए हैरेसमेंट करने के और कुछ इलाकों में, अदरवाइज सिंध के तमाम इलाकों में कहीं भी कोई पुरतशद्दुद रद्द अमल नहीं आया और कोई इस तरह की कोई मुहिम देखने में नहीं आई और सिंध की तमाम तरक्की पसंद रोशन ख्याल या वतन दोस्त सियासी जमातों ने भी उनकी लीडरशिप ने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर तरह की इंतहा पसंदाना सोच को कंडेम किया है। तो ये तासुर मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है कि यहाँ कोई बहुत ऐसी बड़ी फिजा बना दी गई है जिसमें पश्तून जो हमारी ब्रदर कौमियत है उसके बारे में कोई हेट स्पीच है या कोई बहुत ही वायलेंट किस्म का एक रद्द अमल है। तारीखी तौर पर पश्तून और सिंधी ब्रदर कौमें हैं और पार्टीशन से पहले भी बाचा खान और साहिब जी एम सैयद और वो अपनी सियासी तहरीकों में साथ रहे हैं। पार्टीशन के बाद भी नेशनल अवामी पार्टी इस मुल्क के तरक्की पसंदों का एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म थी जिसमें सब लोग शामिल रहे, जिसमें बलोच, सिंधी, पश्तून, तरक्की पसंद पंजाबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले और तमाम सराकी बोलने वाले, हर कौमियत और हर ग्रोह से लोग इसमें शामिल रहे। और उसके बाद भी नवे की दिहाई में अवामी नेशनल पार्टी बनी जिसके पलीर साहब बानी मेम्बरान में से रहनुमाओं में से थे और उसमें अवामी तहरीक शामिल हुई। तो ये रवाबित जो है वो चाहे अदब के हों, चाहे ब्रदर कौमी रवाबित हों या सियासी रवाबित हों, वो हमेशा कायम रहे हैं और हमेशा कायम रहने चाहिए। लेकिन एक सवाल को समझना पड़ेगा और वो ये है कि सोशल मीडिया पर हर किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से कतई नजर, सिंधियों का एक बड़ा बुनियादी कंसर्न है जिसको आज पाकिस्तान में समझने की जरूरत है, उस पर मुकालमे की जरूरत है और उस पर अमली तदाबीर की जरूरत है। क्योंकि ये जो तासुर भरा गया है कि शायद सिंधी जो है वो किसी हेट स्पीच में है, किसी तासुब में है, किसी दूसरी कौमियतों से या पश्तूनों से नफरत करते हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में 74 साल गुजरने के बाद भी आज भी सिंधी अपने वजूदी बहरान को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। आपको मैं मिसाल दूं कि जब पार्टीशन से पहले सेंसस हुआ तो सूबे सिंध बरेसरी का वाहिद सूबा था जिसमें सिंधी बोलने वाले अपने सूबे में 97% थे और फिर पार्टीशन के बाद माइग्रेशन का एक लामतनाही सिलसिला है जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा और वो एक मुस्तकिल इन्फ्लक्स है आबादी का जो दूसरे सूबों से, दूसरे मुल्कों से
افغانستان سے، ہندوستان سے، برما سے جاری ہے، اور جس نے ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش سے، جس نے سندھیوں کو ایک ایسے وجودی خطرے میں ڈال دیا ہے کہ سندھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے وطن میں، اپنے تاریخی وطن میں، اپنے صوبے میں وہ اقلیت میں تبدیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی جو تناسب ہے اس میں سندھی 60 سے رہ گئے ہیں اپنے صوبے کے اندر، اور بڑے شہروں خاص طور پر کراچی میں صورتحال اور بھی تشویشناک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے حل نکالنا پڑیں گے، اس پر سوچنا پڑے گا، اور اس پر بجائے سندھیوں کو کنڈیم کرنے کے ان کی صورتحال کو سمجھنا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو تین بنیادی نکات پر میں چاہوں گا آپ سے بات کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان آئینی طور پر ایک فیڈریشن ہے، لیکن اور چونکہ تمام دنیا کے وفاقی ممالک وہ تنوع کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں، تو وہاں تنوع کو سیکیور کیا جاتا ہے، اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اور سب کا احترام ہوتا ہے، کسی کو بھی آپ انسیکیور نہیں کر سکتے کسی بھی اعتبار سے کسی فیڈریشن میں۔ تو پاکستان کی ریاست نے چونکہ ان 74 سالوں میں تنوع کو نہ کبھی ایڈریس کیا ہے، نہ اکوموڈیٹ کیا ہے، نہ تسلیم کیا ہے، نہ سیکیور کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قومی تنازعات ہوں، لسانی تنازعات ہوں، یا تضادات ہوں، وہ وقت کے ساتھ بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے، کیونکہ ریاست ان کو کسی بھی طور پر بنیادی جمہوری اور بین الاقوامی وفاقی اصولوں کی بنیاد پر حل کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں رہی۔ تو ایک تو سبب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ریاست کی یہ سوچ ہے اور یہ پورا عمل ہے جس نے قومی تضاد کو بڑھایا ہے، کم نہیں کیا ہے، اور ایک بنیادی مسئلہ ہے جو پاکستان میں زیر غور ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ دنیا کی کسی فیڈریشن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بین الصوبائی مائگریشن کے اوپر کوئی ریگولیشن نہ ہو۔ ہاں، ایک طرف مائگریشن ایک بین الاقوامی فنامنا ہے، آپ لوگوں کو اس طرح سے روک نہیں سکتے، دنیا میں ایک آج کا دور گلوبل ولیج بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اور کوئی وفاقی مملکت کا صوبہ اتنا تو اوپن نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں ایک لامتناہی آبادی کا سلسلہ آتا رہے اور مقامی آبادیاں اپنے وجودی بحران کا شکار ہوں، اور اس کو روکنے کے لیے ریاست اور صوبوں کے پاس کوئی آئینی، قانونی اور انتظامی میکانزم نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دستور میں آرٹیکل 15، جس کے تحت کسی بھی شہری کو کسی بھی ملک کے کونے میں جا کر بسنے کا رائٹ ہے، مائگریشن کا رائٹ ہے، آرٹیکل 23، جس میں آپ ملک کے کسی بھی کونے میں جا کر کاروبار کر سکتے ہیں، یا آرٹیکل 18 ہے، اور اس طرح کے آرٹیکلس ہیں، یعنی آبادی کا منتقل ہونا، ان کا رائٹ ٹو پراپرٹی، ان کا کاروبار کرنا، اور یہ تمام معاملات بالکل اوپن ہیں پاکستان کے دستور میں۔ تو میرا یہ کہنا ہوگا، اور یہ صرف میرا انفرادی موقف نہیں ہے بلکہ ایک بہت ذمہ دارانہ موقف ہے جو بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے، کہ ان آئینی شکوں میں ترمیم ہونی چاہیے، اور صوبوں کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر دوسرے صوبوں سے لوگ اکنامک مائگریشن ہے یا کسی بھی اور وجہ سے مائگریشن ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کیٹیگریز ہونی چاہیے اور ریگولیشن ہونی چاہیے، خاص ٹیکس ہونے چاہیے، اور کچھ شرائط ہونی چاہیے کہ حق شہریت آپ مستقل طور پہ نہیں دے سکتے لوگوں کو بغیر کسی میکانزم کے، کسی شرائط کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بین الصوبائی مائگریشن ہے، اور اس نے بھی پاکستان میں قومی تضاد کو بڑھایا ہے اور اس کو پیچیدہ بنایا ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان شکوں میں ترمیم کی جائے، اور صوبوں کے پاس قوانین ہوں، شرائط ہوں، جس دنیا جہان کی فیڈریشنز میں ہوتا ہے، اور دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں بین الصوبائی مائگریشن کے اوپر ریگولیشن ہوتی ہے، بہت سے ممالک میں ٹیکسز ہوتے ہیں۔ ملیشیا ایک فیڈریشن ہے، وہاں کی 7 ریاستوں میں سے 2 ریاستیں ایسی ہیں کہ جہاں ملئی پاپولیشن کو ویزا لینا پڑتا ہے۔ متحدہ عرب امارات جمہوریت بھی نہیں ہے، وہ ایک فیڈریشن ہے، لیکن وہاں کسی ریاست کا قانون دوسری ریاست پر لاگو نہیں ہوتا، اور خود مختار امارات ہیں کہ جہاں ان کے اپنے قانون ہیں، ان کی اپنی شرائط ہیں۔ تو ایک طرف ہم لوگوں کو مائگریشن سے روک نہیں سکتے مکمل طور پر، ظاہر ہے، اور دوسری طرف ان کو اس کو اتنا آسانی بنانا چاہیے کہ کچھ مخصوص قومیتیں یا صوبے یا قومیں یا علاقے وہ ایک وجودی بحران میں شکار ہو جائیں،
कि वह मकामी आबादी अपने आप को खतरे में महसूस करे, माशी तौर पर, माहौलियाती तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, और इसकी मिसालें बहुत सी हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये होगी कि इस पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है और दुनिया जहान का माना हुआ उसूल भी है, हम पश्तूनों से बिल्कुल नफरत नहीं करते, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम सबको अपने भाई समझते हैं, अपने दोस्त समझते हैं, ब्रदर कौमें समझते हैं, उनके साथ एक दोस्ताना मुस्तकिल रवाबित चाहते हैं और एक तहजीबी और सकाफती और सियासी और हर तरह के जो ताल्लुकात हैं उनको एक जिंदा शक्ल में देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो एक सवाल है कि अफगानिस्तान से आप देखें कि ज़ियाउल्लाह के दौर में बहुत बड़ी आबादी का इंकलाब हुआ, दूसरे सूबों में भी आए लेकिन सूबे सिंध ने और खासतौर पर दारुल हुकूमत कराची में आबाद हुए, फिर 9/11 के बाद और फिर हालिया अफगानिस्तान के बहरान के एक लामुतनाही सिलसिला है वहां से आबादी के आने का, और जाहिर है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब मसला यह है कि रियासत के पास या सूबे सिंध की हुकूमत के पास ना कोई इरादा है, ना कोई मनसूबा है, ना कोई डेटा है, ना कोई मैकेनिज्म है कि वो लोग कितनी तादाद में हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, क्या वो मुस्तकिल शहरी बना दिए जाएंगे या वो आर्जी तौर पर पनाह गुजीन है जिनकी रिपेट्रिएशन होगी। ये तमाम सवालात अनसेटल्ड है, और जाहिर है कि जब कोई इंफरादी वाकयात हो जाते हैं तो फिर इस किस्म के तनाज़ात या तजाद उभर के सामने आते हैं। तो मैं एक पाकिस्तान के तमाम तरक्की पसंद, रोशन ख्याल, जमहूरियत पसंद लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो आम तासर पैदा किया जाता है कि शायद सिंध में इनटॉलरेंस है लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंध ही तो वो सूबा है जिसने पार्टीशन से लेकर अब तक लोगों को वेलकम कहा है, जगह दी है, उनको सरजमीन दी है, उनको महफूज माहौल दिया है, रोजगार के मौके दिए हैं उनको। लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क और खित्ते में और किसी भी कौम की तरफ से ये नहीं हो सकता कि बाहर से गैर कानूनी आबादियां और बैन सूबाई माइग्रेशन इस कदर बेलगाम हो कि मकामी कौमियत या मकामी लोग वो एक अपने तारीखी वजूदी बहरान में मुबतला हो जाए। तो मैं समझता हूँ उसका हल यही है कि पाकिस्तान की अंदर इंटरनल माइग्रेशन को डिस्करेज करने के लिए आइन की उन शिकों में तरामीम होनी चाहिए, सूबाई कानून साजी होनी चाहिए, मैकेनिज्म होने चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए, और जो गैर कानूनी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर अफगानिस्तान से और बर्मा से और हिंदुस्तान से और बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिनकी बड़ी तादाद कराची शहर के अंदर और सूबे पूरे सिंध के अंदर सेटल है, उनको आर्जी तौर पर रखा जाए, उनका डेटा मुनज़्ज़म किया जाए और उनको एक जिम्मेदार, उनके इंसानी हकूक का एहतराम किए हुए, उनकी वापसी के लिए, उनकी रिपेट्रिएशन के लिए बैन अल-अक़वामी उसूलों के तहत इंतजाम किया जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। तो मैं समझता हूं कि यही मुतालबा है जो लोग कर रहे हैं, वरना हम सिंधी और पश्तून या बाकी कौमियतों के दरमियान कोई ऐसा तजाद जायज नहीं समझते कि जो अवाम को तकसीम करे, और हम तरक्की पसंद लोग इस बात में बुनियादी तौर पर एतबार करते हैं कि दुनिया के सारे अवाम के रिश्ते अजली हैं और उनके दरमियान जो तजादात होते हैं वो आर्जी होते हैं, लेकिन उनको हल करना बुनियादी सियासी उसूलों की बुनियाद पर बहुत ज़रूरी होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पश्तून तरक्की पसंद रोशन ख्याल दोस्त, पूरे मुल्क भर के तरक्की पसंद रोशन ख्याल दोस्त इस गुजारिश पर, इन नुकात पर गौर करेंगे और एक महफूज माशरे के लिए पाकिस्तान में उन हालात को मुयस्सर और मुमकिन बनाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे कि जो हम सबका मुश्तरक हाल।